स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बीते 30 अक्टूबर को पीएम मोदी ने गुजरात में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भांडू से न्यू सनंद के बीच 77 किलोमीटर सेक्शन का इनॉग्रेट किया, जहां अपने भाषण में WDFC की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा, द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज अ टेस्टमेंट टू इंडियाज विजन फॉर अ मॉडर्न एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इट विल नॉट ओनली इनहेंस आवर कनेक्टिविटी बट ऑल्सो मेक अस अ ग्लोबल लॉजिस्टिक हब। असल में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था गुड्स के एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन पर भारी रूप से निर्भर करती है, और इसी ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के थ्रू गुड्स के बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशलाइज्ड रेल रूट्स बनाए गए हैं, इससे कनेक्टिविटी इन्हांस हो और ट्रांजिट टाइम में भी कमी आए। फिलहाल भारत में 2 DFCs हैं। 1504 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो JNPT नवी मुंबई से बड़ोदरा, सानंद, पालनपुर, फुलेरा, रेवाड़ी होते हुए यूपी के दादरी तक जाता है। वहीं 1861 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो पंजाब के लुधियाना से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होता हुआ वेस्ट बंगाल के डांकुनी तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये दोनों DFCs मिलकर देश के 9 स्टेट्स और 77 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। अक्टूबर 2023 में द हिंदू बिजनेस लाइन में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार EDFC का 100% और WDFC का 70% पार्ट ऑपरेशनल हो चुका है। ऑफिशियल्स का मानना है कि मार्च 2024 तक इन दो DFCs का करीब 95% रेडी हो जाएगा। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ रेलवे का एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का एक वाइटल एलिमेंट है। इसके तहत मौजूदा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो 14% ऑफ GDP है, उसे 2030 तक रिड्यूस करके 8% ऑफ GDP तक लाने का टारगेट सेट किया गया है। हालांकि जहां देश के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स को कनेक्ट करते हुए दो मेजर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन चुके हैं, वहीं साउथ इंडिया में अभी भी इस प्रकार का कोई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं है। 2016-17 के रेल बजट स्पीच में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को कंस्ट्रक्ट करने का अनाउंसमेंट किया था, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 2021-22 की अपनी बजट स्पीच में भी रीअफर्म किया। ये 3 कॉरिडोर्स हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई तक जिसकी लेंथ अप्रॉक्सिमेटली 2328 किलोमीटर होगी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई तक जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 2327 किलोमीटर होगी, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा तक जिसकी लेंथ अप्रॉक्सिमेटली 1114 किलोमीटर होगी। लेकिन तीनों कॉरिडोर्स के अलावा एक और कॉरिडोर पाइपलाइन में है, सदर्न कॉरिडोर जो तमिलनाडु के चेन्नई से गोवा के मडगांव तक जाएगा और उसकी लेंथ अप्रॉक्सिमेटली 892 किलोमीटर होगी। साउथ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल, स्टील, आयरन ओर और दूसरी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। सिमिलरली यहाँ थर्मल पावर प्लांट, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स, कंटेनर कॉरपोरेशन, इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउंस और फर्टिलाइजर बेस्ड कई इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जिन्हें DFC से अपने पोटेंशियल को फुलफिल करने का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स के टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स पर निर्भर करती हैं। ऐसे में DFC प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस इस रीजन के लिए और भी बढ़ जाता है। फिलहाल सदर्न इंडिया का अधिकार रेलवे फ्रेट एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी रेल नेटवर्क में पैसेंजर ट्रेन्स भी रन करती हैं, जिस वजह से कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स और स्लोअर ट्रांजिट टाइम्स जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यही कारण है कि अब सदर्न स्टेट्स और यहाँ की इंडस्ट्रीज को बैक करने वाले एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चर्चा करेंगे, जहां हम जानेंगे कि क्यों सरकार को इसे प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मल्टी डायमेंशनल सिग्निफिकेंस होती है, जो किसी नेशन के इकोनॉमिक लैंडस्केप को रीशेप करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को होलिस्टिकली फ्यूल करने वाला वाइटल सोर्स बन सकता है। इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी और DFC प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सेटअप की गई स्पेशल पर्पस व्हीकल DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर RK जैन DFC को भारत के लिए गेम चेंजर बताते हैं। ऐसे में क्यों देश को एक सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत है, इस बात को समझने के लिए हमें DFCs की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। दोस्तों, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सक्लूसिवली डिजाइंड ये कॉरिडोर्स भारत में गुड्स के मूवमेंट की एफिशिएंसी को एनहांस करने का लक्ष्य रखते हैं। पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन्स के लिए
सेम रेल ट्रैक्स पर मूव करने के कारण रूट पे कंजेशन हो जाता है। इसकी वजह से अक्सर फ्रेट ट्रेन्स को रोककर पैसेंजर ट्रेन्स को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके चलते फ्रेट ट्रेन्स का मूवमेंट स्लो हो जाता है। फ्रेट ट्रेन्स के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सीमलेस और फास्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, जो टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करता है। और इसके साथ ही फ्रेट ट्रेन्स या DFC पर शिफ्ट होने से पैसेंजर ट्रेन्स की टाइमिंग को भी एक्यूरेट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर EDFC और WDFC के रूट्स पर शिफ्ट होने वाली गुड्स ट्रेन का 70% मूवमेंट रेलवे ट्रैक को डीकंजेस्ट करने में अहम भूमिका निभाएगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार EDFC पर 1 किलोमीटर लंबी फ्रेट ट्रेन को ऑन एन एवरेज रोड पर 72 ट्रक्स को रिप्लेस करेगी। ये इंडिया की ओवरक्राउडेड रोड्स और हाईवेज को भी डीकंजेस्ट करेगा और उन्हें ज्यादा सेफ बनाएगा। इंडियन रेलवे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग फिलहाल एक फ्रेट ट्रेन को मुंबई से दिल्ली पहुंचाने में 3 दिन लगते हैं, और DFC के सभी सेक्शंस के कंप्लीट होने के बाद ये टाइम 48 आवर्स तक रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि एवरेज टाइम 2/3 हो जाएगा। अभी फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड 20 से 25 किलोमीटर पर आर है, वहीं DFC पर इस स्पीड के 60 किलोमीटर पर आर होने का एस्टिमेट है। इससे फ्रेट ऑपरेशंस ज्यादा रिलायबल हो जाएंगे। DFC CIL के एक सीनियर ऑफिसर एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि कैसे DFC कॉस्ट और टाइम को सेव करने में हेल्प कर रहा है। उनका कहना है कि EDFC ईस्टर्न इंडिया की अधिकांश कोल और स्टील बेल्ट्स को कवर करता है, और बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की कोल फील्ड से कोल EDFC के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर UP, बिहार और हरियाणा पहुंचता है। पहले पंजाब के पावर प्लांट्स 30 दिन तक कोल स्टॉक रखते थे, लेकिन EDFC के ऑपरेशनल होने के बाद कोल का ट्रांसपोर्टेशन टाइम रिड्यूस हुआ है, और अब ओनर्स ने कोल स्टॉक 15 डेज तक स्टोर करना चालू कर दिया है और आगे 7 दिन का करने का प्लान कर रहे हैं। इससे लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए की इन्वेंटरी कॉस्ट में रिडक्शन आ रहा है। दोस्तों, भारत में रेल का फ्रेट ट्रैफिक में शेयर 27% है, जिसे नेशनल रेल प्लान ने 2030 तक 45% करने का टारगेट रखा है। DFCs रेलवे के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जिससे इंडियन रेलवे के कोष में वृद्धि होगी, जिसका इस्तेमाल पैसेंजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में किया जा सकेगा। वर्तमान समय में इंडियन रेलवे की फ्रेट सर्विसेज का 90% स्पेसिफिक बल्क कॉमोडिटीज डोमिनेट करती हैं, जैसे कोल, कोक, आयरन एंड स्टील, मिनरल एंड ओर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सीमेंट एंड क्लिंकर, कंटेनर सर्विसेज एक्सेट्रा। इंडियन रेलवे के टोटल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में अकेले कोल का शेयर ही करीब 50% है, लेकिन DFC के साथ इंडियन रेलवे न्यू मार्केट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। यानी एक हाथ पर DFCs जहां इंडस्ट्रीज और मार्केट्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, वहीं दूसरे हाथ पर इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा करते हैं। साथ ही DFCs देश के अलग अलग राज्यों को एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट करेगा, और इससे बने इकोसिस्टम के चलते देश भर में गुड्स और रॉ मटेरियल्स को इजिली मोबिलाइज किया जा सकेगा। DFC इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का पार्ट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अपने साथ जॉब क्रिएशन को भी फैसिलिटेट करता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फेज मैनर में लंबे समय तक चलाया जाएगा, जहां इंजीनियर से लेकर ग्राउंड लेबर्स जैसे कई फील्ड एक्सपर्ट्स और वर्कर्स की जरूरत होगी। सिमिलरली, जॉब क्रिएशन के साथ ये देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगा, जहां इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स, हायर कैपेसिटीज के साथ लॉन्ग ट्रेन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन क्विकर, चीपर और ज्यादा रिलायबल हो जाता है, और इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आती है। इसके चलते मार्केट में गुड्स के प्राइसेस को एक लेवल तक मेंटेन किया जा सकता है। दोस्तों, DFC हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की ओर भी ले जाने में हेल्प करेगा। फ्रेट ट्रैफिक के एक सब्सटेंशियल पोर्शन को रोड से रेल की ओर ले जाकर DFC हाईवेज पे कंजेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम होंगे। EDFC और WDFC 100% इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स हैं, इस वजह से कार्बन एमिशंस कम होंगे। इंडियन रेलवे के द्वारा की गई एक कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस के अनुसार 30 साल के पीरियड में DFC बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच के कंपैरिजन में 2.25 टाइम्स कम ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करेंगे। साथ ही DFC ट्रैक्स ने लोड बेयरिंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व की है, और अब ट्रेन लोड 5400 टन से बढ़कर 13,000 टन हो गया है। यानी DFCs के चलते अब कम समय में कम कॉस्ट के साथ ज्यादा फ्रेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। दोस्तों, DFC प्रोजेक्ट के ऐसे ही अनेक फायदों को देखने के कारण अब एक्सपर्ट्स देश के सदर्न हिस्सों में मौजूद इंडस्ट्रीज के लिए DFC आइडिया को प्रपोज कर रहे हैं।
दोस्तों फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से सदर्न इंडिया को ध्यान में रखते हुए किसी डीएफसी का प्लान प्रोजेक्ट सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सरकार चेन्नई गोवा के बीच एक डीएफसी को बनाने में इंटरेस्टेड है, जिससे रिलेटेड एक प्रपोजल पाइपलाइन में रखा गया है और ये है चेन्नई गोवा डीएफसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो चेन्नई गोवा डीएफसी प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में मौजूद है वो रफली 892 किलोमीटर लंबा होगा, जो अपने कंप्लीशन के बाद चेन्नई को गोवा से आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से होते हुए कवर करेगा। ये डीएफसी कई इंडस्ट्रीज को केटर करने का भी पोटेंशियल रखता है, जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, अपैरल, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये प्रपोज कॉरिडोर 4 रेलवे जोन से पास होता है, सदर्न रेलवे से 134.8 किलोमीटर, सदर्न सेंट्रल रेलवे से 357.2 किलोमीटर, साउथ वेस्टर्न रेलवे से 410 किलोमीटर और कोंकण रेलवे से 90 किलोमीटर। इसमें 4 रेल डिवीजन आते हैं, चेन्नई, गुंतकल, हुबली और कारवार। ये कॉरिडोर वेस्टर्न कोस्ट पे गोवा पोर्ट को ईस्टर्न कोस्ट के चेन्नई इनोर पोर्ट से कनेक्ट करता है। इस रीजन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को इस बात से समझा जा सकता है कि फरवरी 2023 में पीएम मोदी जी ने साउथ इंडिया के फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नींव रखी थी। इस सीबीआईसी प्रोजेक्ट के तहत 3 लोकेशंस पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएंगी। कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आंध्र प्रदेश 2500 एकड़ में, तुमाकुरु इंडस्ट्रियल एरिया कर्नाटका 1736 एकड़ में और पुनेरी इंडस्ट्रियल एरिया तमिलनाडु में 4000 एकड़ में, जिसमें से 2 इंडस्ट्रियल टाउनशिप तुमाकुरु और पुनेरी चेन्नई गोवा डीएफसी के रूट पर है। वास्ट इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को अपने भीतर समेटे हुए ये रीजन चेन्नई बेंगलुरु गोवा डीएफसी के लिए एक आइडियल लोकेशन है। ये रीजन आयरन ओर और दूसरे मिनरल रिसोर्सेज में रिच है और साथ ही इंडस्ट्री डेवलप्ड भी है। इस फ्रेट कॉरिडोर का स्टार्टिंग पॉइंट चेन्नई है, जो भारत में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स का घर है। देश में मैन्युफैक्चर होने वाले 65% से ज्यादा हैवी व्हीकल्स जैसे कार्स, बसेस, लॉरीज, ट्रेन्स, बाइसिकल्स यहीं प्रोड्यूस की जाती हैं और इसीलिए इसे एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। यहाँ ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स जैसे फोर्ड, डायमलर, ह्युंडई, बीएमडब्ल्यू, मिशुबिशी, कुमात्सु, यामाहा, निसान, रेनॉल्ट के साथ ही होम ग्रोन कंपनीज जैसे एमआरएफ, जेके टायर, अशोक लेलैंड, टीवीएस, महिंद्रा की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। इस रीजन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की एक यूनिट सेलम स्टील प्लांट स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन करती है। ये सेलम बेंगलुरु नेशनल हाईवे 44 पर तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसके साथ ही कर्नाटका के इंडस्ट्रियल रीजन्स जैसे बेंगलुरु, कोलार, तुमकुरु रीजन और हुबली धारवाड़ रीजन की इंडस्ट्रीज को ये डीएफसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। चेन्नई गोवा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सदर्न हिंटरलैंड्स को पोर्ट से कनेक्ट करके इस रीजन से होने वाले एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने का पोटेंशियल रखता है। हालांकि चेन्नई गोवा डीएफसी के अलावा कुछ एक्सपर्ट्स सदर्न इंडिया को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही एक और पोटेंशियल कॉरिडोर प्रपोज करते हैं, जिसे वाइजैक कोची डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम दिया जा रहा है। दोस्तों ये डीएफसी इस रीजन में फ्यूचर में बनने वाले चेन्नई वाइजैक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कॉम्प्लीमेंट करेगा, जो डीएफसी चेन्नई गोवा डीएफसी को इंटरसेक्ट करते हुए सदर्न इंडिया में फ्रेट ट्रांसपोर्ट की क्रिटिकल नीड को एड्रेस करने का दम रखता है। इंडिया के लार्जेस्ट पोर्ट्स में से एक वाइजैक इस कॉरिडोर का एक एंट्री पॉइंट रहेगा। ईस्टर्न कोस्ट पर वाइजैक की स्ट्रेटजिक लोकेशन इसे इंटरनेशनल ट्रेड और कार्गो हैंडलिंग का एक पिवोटल हब बनाती है और कृष्णा रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड विजयवाड़ा एक मेजर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड हब है। विजयवाड़ा की ज्योग्राफिकल पोजीशन इसकी कोस्टल और इनलैंड दोनों रीजन से कनेक्टिविटी को एनहांस करती है, इसीलिए यहां से पास होने वाला डीएफसी पोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस के सीमलेस इंटीग्रेशन करने में सक्षम होगा। साथ ही ये कॉरिडोर विजयवाड़ा की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। विजयवाड़ा से चेन्नई होते हुए इस डीएफसी का अगला डेस्टिनेशन कोयम्बतूर हो सकता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से मशहूर कोयम्बतूर अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, इंजीनियरिंग फर्म्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, वेट ग्राइंडर्स और वाटर पंप्स के लिए जाना जाता है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट मार्केट का 76% कोयम्बतूर, कोयम्बतूर के ईस्ट में सिचुएटेड तिरुप्पुर और एरोड सिटी से आता है। तिरुप्पुर कॉटन वेस्ट और इनर्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसलिए तिरुप्पुर को निटवियर कैपिटल ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी, कॉटन सिटी, बनियान सिटी, निट सिटी और क्लोदिंग हब ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ के नेटवर्क प्रोडक्ट्स साउथ ईस्ट एशिया और यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और एरोड में कंट्री के लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट्स में से 2 मार्केट्स हैं, अब्दुल गनी टेक्सटाइल मार्केट और टैक्स वैली मार्केट। और टेक्सटाइल पावर लूम्स की मेजर प्रेजेंस की वजह से एरोड को लूम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कोयम्बतूर के ईस्ट में ही सिचुएटेड है करूर सिटी, जो इंडिया की लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का हब है। तिरुप्पुर, एरोड और करूर, इन सभी इंडस्ट्रियल रीजन को एक कॉरिडोर सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। एसडीएफसी का आखिरी स्टॉप है कोची।
कोची केरला का एक सिग्निफिकेंट पोर्ट सिटी है और साथ ही केरला स्टेट और सदर्न इंडिया के लिए एक एंट्री पॉइंट है। कोचिन शिपयार्ड भारत की लार्जेस्ट और मॉडर्न शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है। ये कॉरिडोर केरला और दूसरे सदर्न स्टेट्स के बीच कनेक्टिविटी को एनहांस करके इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करने का पोटेंशियल रखता है और उसके साथ ही ये कॉरिडोर भी इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट को कनेक्ट करता है। हमें ये समझना आवश्यक है कि फ्रेट कॉरिडोर्स का रोल सिर्फ बल्क फ्रेट तक ही लिमिटेड नहीं है। कंटेनराइज गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल और रोड को कंबाइन करके मतलब इंटर मॉडल प्रैक्टिस के जरिए रेल से हायर वैल्यू नॉन बल्क गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं और DFC इन नॉन बल्क गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को रोड से रेल पर शिफ्ट करने का पोटेंशियल लगता है। दोस्तों, सदर्न इंडिया के 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना का इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूशन 31% है और 2030 तक ये 35% हो जाएगा। आगे आने वाले कई दशकों तक साउथ इंडिया कंट्री का एक ग्रोथ इंजन रहेगा। 2018 में CII के सदर्न रीजन की चेयरपर्सन ने कहा था कि साउथ इंडिया में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स का हॉट हब है। यहाँ का ह्यूमन कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, स्किल्ड लेबर, पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एटमॉस्फेयर सदर्न इंडिया का एक एसेट है। इंडिया ब्रीफिंग की एक रिपोर्ट इन्वेस्ट इन साउथ इंडिया अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मल्टीनेशनल फर्म्स भी इस रीजन की इन्वेस्टमेंट अपील को बोल्डली अंडरलाइन करती है। तो ऐसे ग्रेट इंडस्ट्रियल पोटेंशियल वाले रीजन में DFC वहां के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर इंप्रूव और कॉम्प्लीमेंट करेगा। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर सरकार साउथ इंडिया को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्लान लेकर आती है तो ये भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन EDFC और WDFC के मुकाबले एक SDFC का कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जिसका मुख्य कारण है वहां के घाट्स और ज्योग्राफी। सदर्न कॉरिडोर्स को ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की रफ और हिली टेरेन्स के अराउंड मैन्यूवर करना होगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मोस्टली नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जहां लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और कंस्ट्रक्शन साउथ इंडिया के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली आसान था, जबकि इसके कंपेयर में SDFC अपने साथ कई किस्म की इंजीनियरिंग डिफिकल्टीज को लेकर आता है, जिन्हें ओवरकम किए बिना इस सपने को हकीकत में बदल पाना नामुमकिन होगा। दोस्तों, 2050 तक नेशनल फ्रेट एक्टिविटी 5 गुना हो जाएगी और भारत के एम्बिशियस प्रायोरिटीज जैसे 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना हमारे संकल्प में भारत का फ्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। DFCs की सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने आने लगी हैं, जैसे WDFC ने गुजरात के डेयरी कोऑपरेटिव्स को दिल्ली NCR के करीब ला दिया है। गुजरात के न्यू पालनपुर स्टेशन से हरियाणा का पलवल 855 किलोमीटर है और इस वर्ष जुलाई में इन दो स्टेशन के बीच बनारस डेयरी की मिलियम ट्रेन्स का ट्रांजिट टाइम 23.29 आवर्स से 14.49 आवर्स हो गया है, यानी कि ट्रेवल टाइम में 37% का रिडक्शन हो गया है। ऐसे में आने वाले वर्षों में सदर्न इंडिया के ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स में DFCs का कंस्ट्रक्शन होना लगभग तय नजर आता है। बस देखना यह है कि सरकार इसे लेकर कब और कहां बड़ा ऐलान करती है। तो इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? क्या सच में सदर्न इंडिया स्टेट्स को एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज। व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हैव ओवर द एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे सिस्टम? एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।